अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आप सबकी मेज़बान सबा ख़ान। आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने चैनल SBR न्यूज़ 24/7 में। आइए नज़र डालते हैं इस वक्त की कुछ अहम खबरों पर। क्योंकि 2 साल कोविड में सारा निज़ाम बदल गया था, मैं समझता हूँ आज जो ये इतना बड़ा क्राउड यहाँ पे आया था, तकरीबन 300 से ज़्यादा बच्चे थे, पेरेंट्स मिला के 500 लोग थे, मैं समझता हूँ कि लोग आज कंफ्यूज्ड हैं कि हम करें तो क्या करें। ओके, तो बच्चों के सवाल से ऐसा लगा कि काफ़ी हद तक जो है पेरेंट्स और आम स्टूडेंट्स के अंदर वो नॉलेज है कि मुझे आज नॉर्मल कोर्स करना नहीं है, बल्कि मुझे ऐसा कोर्स करना है जहाँ पर मैं खुश हूँ और मुझे और जो है आसानी होगी अपनी ज़िंदगी के लिए। सबसे पहली चीज़ देखिए, अगर आप फाइनेंस की वजह से नहीं पढ़ रहे हैं, एक चीज़ याद रखिए कि स्कॉलरशिप आज भी अवेलेबल है अगर आप सही इदारे को जाते हैं, नंबर वन। दूसरी चीज़, आज इंटर्नशिप्स अवेलेबल हैं, अगर आप इंटर्नशिप्स करेंगे तो आपको मंथली 4-5 हज़ार मिल जाएंगे। तीसरा, पार्ट टाइम जॉब करना कोई जुर्म नहीं है, अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो उससे आपको फ़ायदा क्या है कि आप अपने आप को बिज़ी रख सकते हैं और आप अपने आप को जो है फाइनेंस का ज़रिया भी बना सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है ज़िंदगी में हार जीत जो है एक हिस्सा है ज़िंदगी का। एग्ज़ाम्स में फ़ेल होना या एग्ज़ाम में कम मार्क्स आना, हमारी लाइफ वहाँ पर एंड नहीं होती। मेरा तजुर्बा यही कहता है कि हर बच्चा जो अपना रिज़ल्ट आया है उसको एक्सेप्ट करे और सबसे बढ़कर जो है एक पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़े। यस, आपके एक मार्क्स कम आके हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपका थोड़ा आंसर्स आप भूल गए होंगे या मेमोरी पावर आपका उस दिन वर्क नहीं किया होगा या पेपर टफ आया होगा। मेरा मैसेज यही है कि आपकी ज़िंदगी बहुत लंबी है, ये सिर्फ जो है एक झटका लगा है, इसकी वजह से आपको टोटली डाउन होना नहीं चाहिए, बल्कि आपको पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आप नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाएँ और जो आपको सप्लीमेंट्री ऑप्शन मिलता है उसमें कोशिश करें या दूसरे कई ऑप्शंस हैं। आज मैंने इस प्रोग्राम में वही बताया कि बहुत सारे करियर्स हैं जहां पर आपको डिग्री की ज़रूरत ही नहीं है, कोई आपको पूछता भी नहीं कि आपकी क्या डिग्री है, बस लोग चाहते हैं कि हुनर, वो जो हुनर है जो आज डिजिटल हुनर है, जो डिजिटल नॉलेज है और जो डिजिटल स्किल्स हैं, अगर ये आ गए तो मैं समझता हूँ जो फेल हो चुके हैं वो तो और आगे जाएंगे, उनके पास बहुत टाइम है। Very useful, as we don't know about our future, what we should take. It was really useful nowadays during due to hijab problems there are many problems are occurring, but if we take admissions in Al-Amin we can get a huge of advantages, as sir has explained so many things about scholarships, courses and our future plannings. This program was literally very useful. हाँ, ये प्रोग्राम एक्चुअली करियर गाइडेंस का प्रोग्राम था। वी गॉट टू नो वेरियस प्रोग्राम्स जो भी अवेलेबल हैं यहाँ पे, और एक्चुअली बहुत हेल्पफुल था हमारे फ्यूचर के लिए। हम दूसरे जो भी स्ट्रीम्स चूज़ करेंगे उस हिसाब से हमें जो नए पॉलिसीज आए हैं और अलग अलग स्कॉलरशिप्स के बारे में पता चला है। सेकेंड PUC अभी कंप्लीट किया है मैंने। देखने के बाद में क्या लगता है आपको कौन सा कोर्स चूज़ करना पड़ेगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, इंशाल्लाह आई ट्राई फॉर नेक्स्ट। मोटिवेट करें कि परसेंटेज क्या भी मायने नहीं रखता आगे की फ्यूचर में, 100% एक नंबर है, सो वो बहुत अच्छा दिखा। और जैसे कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, नीट एग्ज़ाम, UPSC एग्ज़ाम, उसमें सभी की तुम्हारा परसेंटेज 10th का मायने नहीं रखता है, तुम्हारा स्किल्स डेवलप होना और आगे भी फ्यूचर में तुम्हें अच्छा पैसे कमाना का, तो अब ऐसे ऐसे कोर्स हैं कि जो तुम ना फ्यूचर में भी काम आ सकते हैं। सो बहुत सारे कोर्सेस हैं जो हमने मालूम ही नहीं था
कि जैसे MBA MBBS के बिना भी हमें दूसरे कोर्सेज में भी पैसे कमा सकते हैं, बहुत अच्छा है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आफ्टरनून, आई हैव बीन हियर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई केम टू नो अ लॉट अबाउट टुडे एंड द गाइडेंस व्हिच वाज गिवन बाय सर इज लाइक मोस्टली सरप्राइज मी एंड and gave me many things to know about what to do in coming what to do in my future. Like I came to know about many things, like various separate careers what we have. We mostly knew we have doctorate, we have engineering, and we have some other things, but here we were given detailed information about our careers, so it was exhilarating myself to be here, and I'm really glad to be here and listen to this sir's lecture. Helps to careers, scholarships, हमारे jobs के वजह से, हमें skills के वजह से हम कुछ बन सकते हैं, और हमारे पास दिमाग में जो doubts होते हैं वो doubts clear हुए. ये program हमारे से helpful था. Thank you program रखने के वजह से. About the courses, about the career, and the scholarship was very beneficial. Actually, I'm preparing for my NEET exam, and I was waiting for my MBBS to get a seat. Now, if I didn't get the MBBS seat, I'm now clarified that I can use BUMS, BMS. Today's program was beneficial. It was really helpful for me. Alhamdulillah, ये जो program हुआ, इसमें आने के बाद में समझ में आया. कि क्या भी जो हमें एक कोर्स लेना चाहती हैं वो उसे बेहतर तरीक़े से कैसा करना, उसके बारे में बात समझ में आई. और क्या समझ में आया अगर बोले तो ये इससे इस तरह के और जो प्रोग्राम जो है ज़्यादा से ज़्यादा होना, और इससे जो है बहुत सारे लोगों के अंदर जानकारी पैदा होती है. बहुत से जनों को मालूम नहीं रहता, जिन्हों जो करना चाहते हैं उनको मालूम नहीं रहता. अब ये जानकारी मिलने के बाद में उन्हें कोशिश करती, अब कोई तो रास्ता दिखाने वाला होना. अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छा एक रास्ता दिखाने जैसा प्रोग्राम है. ऐसे और प्रोग्राम्स करना हमारी एक गुजारिश है. इससे लोगों को क्या है, आसानी होती है, बात समझ में आती है. कि बोले तो हमारे लोगों के अंदर जो है वो क्या भी एक जानकारी की बहुत कमी हमारे लोगों के अंदर. ऐसा अगर जानकारी दिए तो थोड़ी भी अगर जानकारी दिए, जर्री भी अगर लिंक दिए, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई जो है कोशिश कर रहा है कि हमें कैसे सही रास्ते पर आना, और कैसे जो है हमारे बच्चों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इल्म आना. ऐसा कोशिश पूरे लोग जो है कर रही, ये बहुत फ़ायदा हुआ मैं समझ रहा हूँ. और मैं गुजारिश करता हूँ ऐसे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम जो है अब हमारे पूरे रियासत के अंदर, रियासत कर्नाटक के अंदर ऐसे पूरे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रोग्राम में करना. और इसी तरह बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आपका अपना चैनल SBR News 24/7.